इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पबजी के अंदर अगर आप कोई मैप डाउनलोड करते हैं तो आपका मैप डाउनलोड नहीं हो पाता है तो रीज़न क्या रहता है और कैसे इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दो तीन प्रॉब्लम जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि रिपोर्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई मैप में अपडेट लाते रहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो एक रिपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर जाते हैं, रिपोर्ट का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर इशू डिस्क्राइब कर दीजिएगा, मैप डाउनलोड प्रॉब्लम, बस ये लिख देना आपको और कुछ ज़्यादा नहीं लिखना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम और लिख दीजिएगा, डाउनलोडिंग प्रॉब्लम, तो देन इसे सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो यहाँ पर फीडबैक आपका चला जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। उसके बाद अपने सिस्टम में देख लेना है कि आपके सिस्टम में आपकी जो स्पेस है वो पूरा है या नहीं है। अगर पूरा नहीं है तो इसको उसमें जो है कुछ डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको बैक कर दीजिएगा। बैक करने के बाद सेटिंग्स में जाइएगा, सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे जाइएगा और नीचे जाने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप आपको दिखती है तो इंस्टॉल्ड ऐप को खोल लेना है। इंस्टॉल्ड ऐप को खोलने के बाद यहाँ पर आपको जो है पबजी को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं पबजी, इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ पर इसको फोर्स स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप मारने के बाद यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट डेटा दिखता है, तो रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज में आपको देख लेना है कि जो आपके सारे यहाँ पर सेटिंग से चालू रहनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ऐप परमिशंस पर जाइएगा और ऐप परमिशंस पे एक स्टोरेज वाली जो परमिशन है ये चालू ज़रूर रखिएगा। बस फिर आपको कुछ नहीं करना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई आपके पास दूसरा चांस नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी है। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।